हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर मनोज कुमार सिंह आज आपको बताने चल रहे हैं कि आखिर हिंदी माध्यम के स्टूडेंट जो है सफल क्यों नहीं हो रहे हैं। क्या उन पर भीड़ तंत्र का असर है? क्या उन पर सरकारी भावनाओं का असर है? क्या भारत सरकार या प्रादेशिक सरकारें अंग्रेजी को बढ़ावा देना चाहते हैं? इन समस्त बातों के अतिरिक्त अगर हम बात करें तो पहली बात तो छात्रों के लिए सबसे ज्यादा नुकसानदायक जो है वह है भीड़ तंत्र। क्या है? भीड़ तंत्र सबसे ज्यादा नुकसानदायक है, क्योंकि आप जब 700-800 बच्चों के बीच में बैठकर पढ़ते हैं तो टीचर तक आपकी बात नहीं पहुंच पाती, ना ही टीचर आपके प्रश्नों का उत्तर दे पाता है। कॉपियों का मूल्यांकन भी उसी तरह से होता है, तो इससे भी जो है मुख्य परीक्षा में पास होने में कठिनाई उत्पन्न होती है। हिंदी माध्यम का बच्चा वैसे भी कई चीजों से दूर रहता है। जैसे अब आप सोचिए कि एक बालक सीबीएसई बोर्ड का है जो एनसीईआरटी को कक्षा एक से पढ़ना शुरू किया और क्रमबद्ध वो पढ़ता जा रहा है कहां तक? 12वीं क्लास तक। और आप जो है 2 महीने में एनसीईआरटी को खत्म करते हैं तो आप उतनी गुणवत्ता के साथ उस एनसीईआरटी को नहीं सीख पाते। सोचिए पहले कि जो बालक 12 साल तक एनसीईआरटी पढ़ा और फिर आपके साथ पढ़ रहा है तो उसके अंदर गुणवत्ता क्यों नहीं आएगी? तो उसका क्रमबद्ध जो ज्ञान है वह उसके लिए पहली बात तो सहायक है। दूसरी चीज यह है कि हम जो है क्या करते हैं, लापरवाही बरतते हैं। जैसे भीड़ को देखकर वहां पर जाते हैं, प्रवेश ले लेते हैं और भीड़ होने के कारण टीचर हमारी बातों को नहीं समझ पाता और न ही टीचर तक हम अपनी बात पहुंचा पाते हैं। इसलिए पहली बात तो आप भीड़ तंत्र से बचें, वहां पर अध्ययन करें जहां पर आपको टीचर और स्टूडेंट के बीच में सीधा संबंध हो, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। दूसरी बात यहां पर यह है कि आप जब मुख्य परीक्षा का उत्तर लिखते हैं तो किन किन सावधानियों को ध्यान में रखेंगे, तो इसके लिए मैं आपको एक प्रश्न लेकर आया हूं और यह प्रश्न आपके सामने बोर्ड पर अंकित है। और इस प्रश्न को लिखते समय किन किन चीजों को हम ध्यान में रखेंगे, तो आप देखिए कि हड़प्पा सभ्यता का नगर नियोजन आधुनिक नगर नियोजन का आधार प्रस्तुत करता है, इस कथन की समीक्षा कीजिए। तो आपको बता दें कि हड़प्पा सभ्यता नगर नियोजन का आधुनिक नगर नियोजन का आधार प्रस्तुत करता है। तो आप पहले आप ध्यान देंगे, पहला आपका बिंदु क्या बन रहा है? हड़प्पा सभ्यता का नगर नियोजन। तो हड़प्पा सभ्यता का नगर नियोजन क्या था? हड़प्पाई समाज एक नगरीय समाज था, वहां पर व्यवस्थित सड़कें थी, जल निकासी का उत्तम प्रबंध था और वहां पर सड़कें समकोण पर काटती थी और लोग शांतिप्रिय होते थे क्योंकि राजमार्ग पर घर ना बनाकर क्या करते थे, गलियों में घरों को बनाते थे और उनके दरवाजे गलियों की ओर खुलते थे। तो आप देखेंगे नगरीय स्वरूप जो था हड़प्पा का, तो आप देखेंगे पहली बात हड़प्पा का नगर नियोजन, तो यहां पर आप लिखेंगे नगरीय स्वरूप क्या था? नगरीय स्वरूप। नगरीय स्वरूप क्या था इसका? तो पहली बात तो प्रथम नगरीय सभ्यता, तो इसका स्वरूप क्या था? प्रथम इसकी बात करें तो यह नगरीय सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता। और दूसरा जो है इसकी बात करें तो यह क्या था? कांस्यकालीन व व्यापार वाणिज्य पर आधारित सभ्यता थी। और अगली बात है इसकी सड़कें, जल निकासी सड़कें हो गई, जल निकासी हो गई, शासन
प्रशासन, नगर बसाव, ये सब चीजें क्या थी, इसको प्रभावित कर रही हैं। इन बातों का भी, इन बातों की चर्चा भी यहां पर करना है। कुएं कैसे बने थे, कुएं बताएंगे, कुएं, ईंटे, ईंटे की बनावट क्या थी, आखिर उस प्रकार के ईंटों का प्रयोग आज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये बातें आज देखेंगे। इसके बाद सरकार ने, भारत सरकार ने इस बात को प्रस्तुत करने के लिए वर्तमान में इसकी निरंतरता क्या दिखाई देती है, वर्तमान में, अभी ये बात आपको समझ में आ गई, इसके बाद आप देखते हैं इसकी निरंतरता क्या देखते हैं, निरंतरता, वर्तमान, वर्तमान निरंतरता, वर्तमान निरंतरता क्या है इसकी, वर्तमान निरंतरता क्या है, स्वच्छ भारत अभियान। तो सरकार ने क्या शुरू किया, स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत अभियान, इसके बाद स्मार्ट सिटी योजना शुरू किया, स्मार्ट सिटी योजना शुरू किया, इसके बाद क्या शुरू किया गया, दरवाजा बंद अभियान, दरवाजा बंद अभियान, दरवाजा बंद अभियान, इसके बाद शुरू किया गया आवास विकास प्राधिकरण, आवास विकास प्राधिकरण, नगर निगम व विकास प्राधिकरण। अब आप सोचिए कि सैंदव सभ्यता में आपने देखा कि जल निकासी व्यवस्था के लिए वहां पर इकाई थी, वर्तमान में है स्मार्ट सिटी योजना, वहां पर स्मार्ट सिटी योजना थी या नहीं, लेकिन उस तरह का नगर बना बसाने के लिए हमने स्मार्ट सिटी योजना शुरू किया, शौचालय और स्नानागार का प्रयोग घर में ही करें, इसके लिए हमने जो है दरवाजा बंद योजना शुरू किया, और आवास विकास प्राधिकरण हमारे यहाँ जो नगर निगम की इकाइयां होती हैं जो नगर की देखभाल के लिए क्या करती है, कार्य करती हैं, नगर निगम व विकास प्राधिकरण भी होता है जो प्रशासन और छोटे छोटे कर लगा करके नगर नियोजन को क्या करता है, व्यवस्थित करता है, निर्माण कार्य करता है, प्रकाश की व्यवस्था करता है, और इसके अतिरिक्त जो है वह जो है सैंधव सभ्यता वाले समस्त कार्यों का प्रबंधन करता है। इतनी बात आप बताएंगे क्योंकि वर्तमान में इसकी क्या है, निरंतरता है। तो क्योंकि आपका प्रश्न जो है वह करा हड़प्पा सभ्यता का नगर नियोजन आधुनिक नगरी नियोजन का आधार है, तो आधार क्या है, आधुनिक नगर नियोजन, वहां पर स्वच्छ भारत मिशन तो नहीं था किंतु वहां पर भी जल निकासी की उत्तम व्यवस्था की गई थी, उसके लिए यहाँ पर स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया गया, स्मार्ट सिटी योजना, तो वहां पर जैसे नगर निगम जिस प्रकार से बसाव था उस तरह से हमने जो है स्मार्ट सिटी योजनाएं शुरू किया, इसके बाद आवास विकास प्राधिकरण बनाया जो आवासों के मैप और उनके बनावट के आधार और उनके जो है क्षतिग्रस्त होने की इकाइयों का मापन करता है, और नगर निगम और विकास प्राधिकरण उस पर प्रशासन का भी कार्य करता है। इन समस्त चीजों को आप बताएंगे, इसके बाद बताएंगे वर्तमान में भारत सरकार जो है उसके आधार पर जो है अनेक ऐसी नगरीय संस्थाएं बनाया जो जो है आज भी स्वच्छ भारत अभियान, दरवाजा बंद अभियान, ये सब चीजें इस पर कार्य कर रही हैं। इन सब चीजों को लिखकर आप अंत में लिखेंगे, समीक्षा इसका करते समय बताएंगे कि भारत सरकार ने इस योजना को सफल बनाने के लिए अनेक कार्य किए हैं, और उसको भी आप बताएंगे जो जो कार्य हैं, और इस कार्य को प्रस्तुत करने के बाद आप ये बता देंगे प्रश्न ऐसे लिखा जा रहा है, ये आपका जो है प्रश्न लिखने का तौर तरीका होगा, और प्रश्न हमेशा बिंदुवार लिखे जाएंगे। प्रश्न कैसे लिखे जाएंगे, बिंदुवार और ग्राफ में लिखना है आपको, इस तरह से आपको ग्राफ बना करके इन बातों को प्रस्तुत
विस्तृत करना है कि कौन कौन सी चीजें सैंधव सभ्यता में थी और कौन कौन सी चीजें वर्तमान निरंतरता में चल रही हैं। इन समस्त बातों को आप क्या करेंगे, इसमें प्रस्तुत करेंगे। और अगर स्टेट पीसीएस में आप इस प्रश्न को लिख रहे हैं तो वहां का प्रादेशिक योजनाएं, प्रादेशिक जो योजनाएं हैं उनकी चर्चा करेंगे। जैसे बिहार गवर्नमेंट है तो बिहार गवर्नमेंट ने कौन कौन से प्रदेश के मतलब नगर निगम के लिए योजनाएं शुरू किया है, और भारत सरकार मतलब वहां पर अगर उत्तर प्रदेश सरकार है कौन कौन सी योजनाएं शुरू किया है, और स्थानीय स्तर पर सरकारें ने कौन कौन सी योजनाएं शुरू किया। जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना आई शहर को बढ़ावा देने के लिए, मुख्यमंत्री आवास योजनाएं आ रही हैं, और तमाम पूर्व प्रधानमंत्रियों पर योजनाएं बनाई गई हैं। तो इस तरह से जो है, जैसे डॉक्टर यूपी में देखिए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया योजना आ रही है, महात्मा माननीय काशीराम योजना आ रही है, अंबेडकर योजना आ रही है। तो इस तरह से जो है शहर नगर निगम बसाने के लिए इस तरह की योजनाएं भी प्रस्तुत की गई हैं। इन समस्त चीजों की आप चर्चा इसमें करेंगे, और इस तरह से प्रदेश पीसीएस में स्टेट पीसीएस में लिखने के लिए स्टेट पीसीएस की मतलब स्टेट की योजनाओं को भी आप उसमें जरूर इंगित करेंगे। अगर यूपीएससी लिख रहे हैं तो यूपीएससी में केवल आप भारत सरकार की योजनाओं को ही प्रस्तुत कर सकते हैं। इस तरह से आपको मुख्य परीक्षा लिखना है, और इन्हीं इस तरह से प्रश्न लिखने पर ही आपकी जो समस्याएं हैं मेंस न पास होने की वो समस्या और अच्छे अंक पाने की इन समस्या का निदान आप पा सकते। तो आप हमारे क्लास को हमेशा प्राप्त करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे यहाँ ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं और ऑफलाइन क्लास ले सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।